आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ गुजराती फेवरेट ढोकला यानी कि खमन की रेसिपी, जो कि आप घर पर आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल कम टाइम में, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में, बिल्कुल स्पॉन्जी सा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी बेसन ले लेना है। क्वांटिटी आपको आपके अकॉर्डिंग ले लेनी है, जितने लोगों के लिए आप बना रहे हो। फिर इसमें हमें डालना है 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से कम डालेंगे नमक, 1 चम्मच डालेंगे शक्कर और 1/2 इसमें डालेंगे नींबू का रस। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक अच्छा सा घोल बना के रेडी करेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसके सारे लम्स ना ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से मिक्स ना हो जाए। हम इसे जितना ज़्यादा फेटेंगे ढोकला हमारा उतना ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा, तो इसे कम से कम हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेटना है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसका पतला सा घोल बना के रेडी करेंगे। याद रहे कि इसमें थोड़े से भी लम्स ना रहे, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। अभी ढोकला को बिल्कुल दुकानदार जैसे बनाते हैं ना, हलवाई लोग बनाते हैं या रेस्टोरेंट में स्टॉल जो लगाते हैं गुजरातीज, तो इसे स्पॉन्जी करने के लिए ना इसमें हम ऐड करेंगे 1 पैकेट ईनो का। इससे क्या होगा, जो ढोकला हम बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा एंड काफ़ी फूला हुआ बनेगा। आप देख सकते हैं कि ईनो ऐड करने के बाद जो हमने पतला घोल किया था बेसन का वो कितना ज़्यादा गाढ़ा क्रीमी लग रहा है आपको, एंड इसकी क्वांटिटी भी अप हो गई है। इस तरह से हमें इसे क्रीमी टेक्सचर करके साइड में रख लेनी है। अभी हम चढ़ाएंगे यहाँ पे कढ़ाई और उसमें हमें ऐड करना है 1 बड़ा ग्लास पानी और उसे ना अच्छे से कर लेना है गर्म। अगर आपके यहाँ पे स्टीमर अवेलेबल है तो आप स्टीमर में बना सकते हो, बट जिनके यहाँ पे स्टीमर अवेलेबल ना है तो उनके लिए देसी जुगाड़ है भाई, बहुत अच्छा ढोकला बन के रेडी होगा। पानी खोलने के लिए हमने रख दिया है, साथ ही एक इस तरह का टिफिन ढक्कन जो आप अवेलेबल है उसे हम तेल या घी के साथ ग्रीस कर लेंगे पूरी तरह से। और फिर खोलते हुए पानी में हमें एक कटोरी या फिर कोई छोटा स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं और उसके ऊपर फिर हम रख देंगे डब्बा जिसमें हमें ये ढोकला बनाना है। और अब हम इसे ढक देंगे, कम से कम 10 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमें लगे पूरे 15 से 20 मिनट और अब हम इसे एक स्पून से चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका इसमें, मतलब ये बिल्कुल पक्की पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम ना इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में हमने डब्बे को रखा है तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अभी हम ना एक प्लेट में इसे अच्छे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ज़्यादा स्पॉन्जी फूला फूला सा बिल्कुल राउंड शेप में एक ही लेवल पर बनकर तैयार है। अभी हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। जो तड़का देते हैं खमन ढोकला में वो इसका मेन फ्लेवर होता है, उसके बिना ना ये ढोकला बहुत अधूरा होगा। तो उसमें हम तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करेंगे, 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 2 से 3 मिर्ची बीच से छिरी हुई ऐड करेंगे, करी पत्ते की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, साथ ही इसमें जाएगा 4 चम्मच चीनी और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं नमक। नमक भी आप
ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, दिस इज टोटली ऑप्शनल। और फिर इसे हम एक उबाल ले आएंगे। एक उबाल लाने के बाद इसे हम रखते हैं साइड में और सबसे पहले ना ढोकलों को कर लेते हैं एक मीडियम साइज के पीस में कट इस तरह से। आपको इसे कट करने के लिए ना बहुत ही आराम से कट करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी था एंड काफ़ी ज़्यादा मुलायम, तो थोड़ा थोड़ा सा बीच से फट रहा था बट काफ़ी परफेक्ट था। अभी हमने बनाया हुआ घोल इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसमें जितना ज़्यादा शक्कर का पानी ऐड करेंगे ना ये उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हमने जितना आधा ग्लास पानी का यूज़ किया हुआ है तड़के में वो हम पूरा ऐड करेंगे। ये रहा गुज्जूस फेवरेट एंड हलवाई स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्ट्रीट स्टाइल या फिर जो भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम मार्केट जैसा खमन ढोकला बनकर तैयार है। इंजॉय करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें। मिलते हैं कल न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।